हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और आज हम आगे नया प्रोग्राम लेके, अच्छा प्रोग्राम लेके, जिसका नाम है फैक्टोरियल यूजिंग फंक्शन। फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपने तो किया ही होगा। कैसा था वो? फॉर लूप से होता था। डायरेक्ट हम करते थे ऐसा, फैक्ट इक्वल टू वन लेते थे, फिर उसके बाद हम लोग फॉर लूप लगाते थे, आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, ऐसा करते थे कुछ फैक्टोरियल में। फिर उसके बाद हम लोग फैक्ट करते थे, इक्वल टू फैक्ट इंटू आई करते थे, बाद में फैक्ट प्रिंट कर देते थे। ठीक है, तो ये था सिंपल सा ऐसा प्रोग्राम था कुछ, पिछले टाइम हमने किया था फैक्टोरियल में। ठीक है, तो अभी यूजिंग फंक्शन इसको करना है, तो करके देखते हैं। ठीक है, तो यूजिंग फंक्शन करना है, तो फंक्शन के लिए सबसे पहला फैक्टोरियल में हमें इनपुट कितना चाहिए होता है? एक ही इनपुट चाहिए रहता है, क्योंकि ऐसा फाइव डालेंगे तो फाइव का फैक्टोरियल आना चाहिए, फोर डालेंगे तो फोर का फैक्टोरियल आना चाहिए, तो इनपुट यहाँ पे मेरा एक ही है। ठीक है, तो अभी सबसे पहला हैज इंक्लूड stdio डॉट h, फिर void main मेन फंक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे ओपन किया, फिर यहाँ पे इंट में मुझे क्या लेना होगा, इंट में n एक नंबर। ठीक है, और एक फॉर लूप के लिए भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे i। ठीक है, फॉर लूप के लिए i ले लिया, इंट के लिए n ले लिया, और फैक्ट करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें वन डाल देता हूँ। ठीक है, देखते करके फैक्ट करके एक मैंने इक्वल टू वन ले लिया उसके अंदर। ठीक है, तो इतना चीज ले लिया। अब उसके बाद हमें फंक्शन डिक्लेरेशन करना होता है। तो फंक्शन मैंने जैसा कि कहा था कि इंट टाइप का फंक्शन हमेशा लेना है हमें, तो रिटर्न टाइप उसका इंट ले लिया। अब नाम फंक्शन का कुछ भी देना है तो कुछ भी दे दो अपने मन से। मैं समझ लो फैक्टोरियल लिख देता हूँ, फैक्टोरियल करके मैंने एक फंक्शन बना लिया, और इसमें आर्ग्यूमेंट कितना पास होगा, इंट एन, एन करके मैंने पास कर दिया इंट एन। ठीक है, एक ही इनपुट रहेगा इसमें। ठीक है, तो अब उसके बाद प्रिंट एफ इंटर नंबर डालना पड़ेगा, कितना नंबर लेना है, इंटर नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद स्कैन करना होता है, इनपुट लेना होता है कि नंबर कितना है, परसेंटेज डी, फिर एम्बरसन एन, एन के अंदर जो भी इनपुट चला गया। फिर उसके बाद हमें लॉजिक लिखना था, याद है हमें लॉजिक लिखना था फॉर लूप का, लेने के बाद इनपुट लॉजिक लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे मैं लॉजिक नहीं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक नहीं लिखूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन कॉल करना होता है, कभी भी लॉजिक के पार्ट में फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट वेरिएबल था जो मेरा, इसमें आंसर आता था, है ना, तो इसमें मैं कॉल कर दूंगा, किसको, फंक्शन को कॉल करूंगा, ऊपर वाले फंक्शन को कॉल करूंगा, फैक्टोरियल इंट एन, इसको मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, इसको कॉल कर दिया, इसमें लॉजिक नहीं लिखा मैंने, इसको सिर्फ कॉल किया, फिर जो भी वैल्यू रहेगा इसके अंदर वो फैक्ट में आएगा और फैक्ट को प्रिंट कर दूंगा। तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी फैक्ट प्रिंट कर दिया, फिर गेस सी एच प्रोग्राम क्लोज किया मैंने। ठीक है, फिर इसको बंद किया। ठीक है, इसके लॉजिक के पार्ट के जगह पे मैंने डायरेक्ट जो भी वैल्यू रहेगा वो फैक्ट में रहेगा और फैक्ट प्रिंट हो जाएगा, ऐसा कर दिया। लेकिन इसके अंदर मेरे फंक्शन के अंदर क्या लॉजिक है वो मेरे को बाहर दिखाना पड़ेगा, प्रोग्राम के बाहर। ठीक है, तो अभी वो प्रोग्राम के बाहर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी इंट फैक्टोरियल जो मेरा फंक्शन था, फैक्टोरियल इंट एन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ओपन किया, अब उसके बाद यहाँ पे लॉजिक लिखने का, डायरेक्ट लॉजिक क्या था मेरा, फॉर फैक्टोरियल का, फॉर आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, सॉरी इधर पे इंट एन नहीं लिखा मैंने, इंट एन, फिर आई प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन किया, फिर यहाँ पे क्या होता था, मल्टीप्लाई फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इन टू आई, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इन टू आई। ठीक है, इसको क्लोज किया, फिर इसको बंद किया मैंने, यहाँ पे बार बार ऐसा होगा। फिर इसके बाहर मैं कर दूंगा रिटर्न जो भी लास्ट में आंसर आएगा, रिटर्न क्यों करो, क्योंकि इन टाइप है, इसके लिए यहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ता है, तो रिटर्न फैक्ट कर दूंगा मैं। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या है, फिर ये मेन फंक्शन मैंने यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, तो अभी एग्जांपल के हिसाब से समझते, समझ लो फोर है यहाँ पे, अभी फंक्शन बनाया मैंने, फिर इंटर नंबर मैंने एन में डाल दिया फोर। ठीक है, तो फिर फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इन फैक्टोरियल फोर हो जाएगा इसमें, तो ये फंक्शन डायरेक्ट कॉल होगा इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, तो इसमें कितना आ गया, फोर इंट एन, तो एन में कितना था, फोर आ गया, तो अंदर आएगा, तो एन में कितना था, फोर, और आई में कितना था, वन। ठीक है, तो वन लेस देन फोर है तो नीचे आएगा, फैक्ट में तो मेरा ऊपर वन डिक्लेयर किया था मैंने, तो यहाँ पे वन हो जाएगा, वन इंटू वन कितना होता है, वन, तो इसमें आ गया वन। ठीक है, अब वापस ऊपर जाएगा, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू, एन में तो फोर है, ठीक है, आई का वैल्यू हो जाएगा टू, तो टू लेस देन फोर है, वापस अंदर आएगा, तो आई में कितना हो गया, टू, आई में कितना हो गया, टू, फिर फोर फैक्टोरियल में कितना था, वन था, तो मल्टीप्लाई वन, टू इंटू वन इज टू, ये आ जाएगा, टू आ जाएगा,
फिर आई का वैल्यू 3 था, तो 3 लेस देन 4 है तो वापस नीचे आएगा, तो आई का वैल्यू कितना हो गया, आई का वैल्यू 3 हो गया, लेकिन फैक्ट के अंदर कितना था, 2 था, ठीक है 2 था, तो 2 इंटू 3 6, तो 6 आ जाएगा इसके अंदर फैक्ट में, ऊपर जाएगा आई का वैल्यू 4 है, तो 4 इक्वल टू 4 है तो वापस अंदर आएगा, तो आई का वैल्यू कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई फैक्ट का वैल्यू कितना था 6, 6 इंटू 4 इज 24, तो इसके अंदर 24 आ जाएगा, ऊपर जाएगा आई का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 5 लेस देन 4 है क्या, नहीं, तो ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ रहा है तो देख रहे हैं रिटर्न फैक्ट करना है, तो फैक्ट में तो 24 था, तो रिटर्न 24, तो जहां से ये फंक्शन आया वहां पे वो 24 रिटर्न कर देगा, तो ये जाके इसमें रिटर्न कर देगा 24, तो इसमें 24 आ गया, तो 24 फैक्ट में आ जाएगा, फिर उसके बाद नीचे प्रिंट है परसेंट डिफेक्ट, तो 24 प्रिंट हो गया, ठीक है, तो 24 फैक्टोरियल है 4 का, तो ऐसा ये प्रोग्राम था मेरा फैक्टोरियल का, ठीक है, यूजिंग फंक्शन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।